पति खाना बना रहा है, खाना खा रहा है। ओ एक दिन पति देव बना, हमारे पति देव का हाथ का दही बड़ा खाइए दोस्तों, हम भी थोड़ा टेस्ट करते आगे। पानी से पन्नी पोत रही है तो कोई नहीं होगा, होगा कहीं नहीं, सब खुलता है। ठंडा ठंडा हवा देगा दोस्तों, मस्त गर्मी में राहत मिलेगा। नंदिनी को कोई डर नहीं है, बेबी रखेगी, वैसे ही थोड़ा परेशान हो गई। दोस्तों गुड मॉर्निंग, लव मैच कपल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे हैं स्वस्थ। नंदिनी का आवाज कहाँ हो गया, बैठ गया थोड़ा सा, बैठ गया दोस्तों, कोई बात नहीं। और अभी देखिए सुबह सुबह नंदिनी नाश्ते में बना रही है, देख सकते हैं आप लोग, गेस कर लीजिए क्या होगा, क्या होगा। दही बाड़ा में दोस्तों खाने का मन नहीं कर रहा था एकदम, मतलब सब्जी तो एकदम ही नहीं पसंद आ रही है। नंदिनी को खाना होने का कुछ मन नहीं करता है, इसलिए दही बड़ा बना रही, बढ़िया था। खट्टा थोड़ा सा, हाँ चटपटा, तो चाट मसाला नहीं है दोस्तों। तो कैसे खाएगा दही बड़ा, आगे अभी बनेगा तब तक बहुत टाइम में तो ला दीजिए। अभी दुकान भी नहीं खुला दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, तो गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से। और हमारा गुल्लू सो रहा है अभी, अभी सोए रहते, इसलिए सोचे कि जल्दी से जो काम है हमारा छोटा मोटा कर लेते हैं। चलिए सुबह सुबह पहले काफी बैठा हुआ है ना, बहुत भारी भारी, तबीयत ठीक नहीं लग रहा, लगता गला पूरा भारी भारी लग रहा है। ऐसा होता है दोस्तों, मट्टी वाला को फोन किए जी, मट्टी वाला फोन करके देता है, जल्दी बाथरूम बनाए, शिफ्ट होएंगे तो सुन ही नहीं रहा। देखो पता नहीं, मट्टी वाला भी बोल रहा कि मट्टी गिरेगा गिरेगा, मौसम ठीक होगा, मौसम तो ठीक ही हो गया, इतना गर्मी करता है ना आजकल, बहुत गर्मी करता है। बापरे दोपहर में तो लगता है कि लाला आग फेंक रहा है जाकर। ये रूम में हम सोते नहीं है, जाकर उधर बगल रूम में सोते है, नया नया रूम बना दोस्तों, ऐसा में क्या थोड़ा कम गर्मी लगता है, और ये समय धोख मारता है दोपहर में। तो हमारा कूलर जो है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ कूलर हमारा, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया दोस्तों, उसको आज बनाएंगे और उसको चालू करेंगे। पहले तो अभी नंदिनी अपना बनाएगी दही बड़ा, तो चलिए ब्लॉग पे बने रही दोस्तों। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ समय चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। हाँ दोस्तों आप लोग हमारा मेरे लिए कुछ अच्छा अच्छा चीज़ पका के भेजिए। कहाँ से इसको खाना का शौक हो गया, जो घर में उसको खाने नहीं बन रहा दोस्तों, इसको ना घर का खाना एकदम पसंद नहीं आ रहा नंदिनी को। गुल्लू जी भी उठ गया अभी, अपन हमारा ये ना काम नहीं कर रहा, क्या हो गया, पिसा ही नहीं रहा है। अरे पाप क्या कर रहे थे, जब नहीं चल रहा है तो लोड ज़्यादा हो गया इसीलिए नहीं चल रहा है। ये क्या होता है ना दोस्तों, पूरी दाल वाला जो पेस्ट होता है ना, बहुत टाइट होता है ना, देखिए पूरा एकदम थिक, एकदम टाइट, एकदम थिक, जिससे तो एकदम जैसे मसाला जैसा नहीं रहता, ऊपर थिक रहता है, इसीलिए हमारा मशीन खराब हो रहा है। या तो ट्रिप कर गया होगा, देखा तो ट्रिप कर गया होगा, नहीं दबते लाल बटन दबो, बेटा लाल बटन दबो, वो लाल बटन, हाँ अब चलेगा, खराब नहीं है। क्या हो रहा है ना कि पावर मेरे ख्याल से कम है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, वोल्टेज कम होगा। हाँ वोल्टेज कम होने के कारण ही हमारा मशीन धीरे धीरे घूम जाता है, अब उतना जोर से नहीं लोड सह नहीं पा रहा, पिसा गया ना। हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत पिसा गया दोस्तों, मतलब ठीक ठाक पिसाया है, ये थोड़ा पावर कम होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। काफ़ी देरी से इसका पीस है, बहुत देरी से लगी हुई नंदिनी, दही बड़ा आज हम बना के नंदिनी को खिलाएंगे। कल ही क्या इसको छानना पड़ता है मेरे को, अब कुछ नहीं, बाकी तो सूखा मसाला बाजार से आता है, चाट मसाला, नमक डालो, दही तो ही है, मिलाओ खाओ, कुछ करना थोड़ी ना दोस्तों। हमारे लिए दही बाड़े बना रहे दोस्तों, देखिए कितना सुंदर सुंदर बना दिखा रहे दोस्तों, कितना सुंदर दही बड़ा बना, देख सकते हैं एकदम मस्त दही बड़ा बनाया दोस्तों, डाल दीजिए। और उधर दोस्तों हम चाय चढ़ाए हैं कि चाय और ना ये लाए, क्या बोलते हैं जी, सेब गलती कर दी है, गीला पेस्ट बनाने में तो ज्यादा गीला हो गया, फिर भी हम सही से कर देते हैं। तो आप थाईलैंड दे रहे हैं दोस्तों तो बना देंगे, और तुम भी है बोलता, हम भी है, हम भी देखिए हम भी है। तो चलिए दोस्तों आशीष जी को भी बनाने देते हैं, पूरा दही बाड़ा एकदम अच्छा से बना के मिलते हैं।
चलिए हमारा दही बड़ा बन के रेडी हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं पूरी तरह से सब रेडी है। और वो भी कितना बनाया देख सकते, पूरा भर के कुकर पूरा दही बड़ा बनाया हमारा, और बहुत ही बढ़िया तरह से पूरा परफेक्ट साइज में बनाया। चलिए हो गया दोस्तों, ये मेरा चाय, नंदिनी तो चाय पी के यहाँ बैठी हुई है, देखिए क्या कर रही है बच्चा का साथ, क्या कर रहा है। तो मेरे को बोल रहा है कि कान साफ कर दो मामा, देख रहे कान दे, देख लीजिए गुल्लू का कान साफा कर रही है, बच्चा का कान साफा किया जाता है। रोबी और सही देखिए बैठ गया है आराम से, कान साफ, कान छिला गया है हल्का साइड में, नो नाखून सही से कर करके, ये देखिए निकला थोड़ा बहुत, ये देखिए कचरा, अब बोला है खून निकला उसको, बोला आग दे ना माँ दे, देख दे ना माँ, ज्यादा बनेगा रे गुल्लू, अब नहीं है मेरे पास। हाँ छे इसमें इसमें देखिए अपना मर्जी से करा रहा है दोस्तों, इसमें नहीं है, खत्म हो गया, खत्म हो गया बेटा, हो गया। चलिए दोस्तों चाय पी लेते हैं, गुल्लू का तो कान खोदने में लगी हुई है, ये क्या करे कान सब बन गया, दही बड़ा बन के पूरा रेडी हो गया है, कुछ नहीं खा पी के भी बैठी हुई है, चाय सवे खा के बैठ गई, पति खाना बना रहा है खाना खा रहा है। ओ एक दिन पति देव बना तो बहुत यहाँ पर नंदिनी देख सकते है सजा रही है पूरा दही बड़े को, इतना सुंदर लग रहा है देखने में, ये हमारा दही बड़ा है, काफी टेस्टी लग रहा, टेस्टी तो लगेगा ही, बनाया जो हम इसका रेडी कौन कर रहे हैं। अरे तो रेडीमेड आता है दोस्तों सारा कुछ, चाट मसाला नमक क्या घर में बनाती है नंदिनी, मसाला क्या घर में बनाती है, सारा तो मिलता है, खाली इसको बनाना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है, गुंडी डालना इतना इतना टिक्का प्लस चटपटा, सुबह तो चटपटा खाने का मन करा था नंदिनी का, इसीलिए बना है दही बड़ा, सब कुछ घर में था तो दोस्तों हम इसलिए बनाते हैं। आसान भी है, बहुत आसान है, सबसे आसान मेरे को यही लगता है ना नंदिनी, सबसे इजी भी और खाने में भी बहुत टेस्टी भी, हेल्दी भी, सारा कुछ है दोस्तों, टेस्टी का साथ हेल्दी भी है, देख सकते कितना सुंदर दिख रहा हमारा दही बड़ा बड़ा दोस्तों। तो लीजिए आप लोग भी हमारे पति देव का हाथ का दही बड़ा खाइए दोस्तों, हम भी थोड़ा टेस्ट करते हैं आगे, ले ले बेटा आ लाम देंगे, कैसे नहीं खाएगा मेरे बच्चे, तुम वो नहीं खाएगा, ले 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 ले, ओ कुत्ता है जैसे कि, ले 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 ना ले, नहीं खाएगा ले, ले थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा चखेगा तो ना अच्छा लगेगा, वो खाएगा ही कैसा लड़का एकदम नहीं खाने खोजता, उसको दूध रोटी दो सबसे बढ़िया है, दूध रोटी खाएगा, मीठा चीज ज्यादा खाता है दोस्तों, चलिए चख लेगा ना तो खाएगा, दही खाता है बच्चा, खा देगा ना, नंदिनी का चटपटा खाने का जो था वो बना दिए, अब खाएगी अपना आराम से, खाओ अब सोचना क्या है, दिन भर आज ये दही बड़ा ही खाएंगे, इतना बना ही दिया कि दिन भर खाते रहना, कल भी मतलब खाना ढंग से नहीं खाया, मन ही नहीं कर रहा था मेरे को, सब्जी तो और ही नहीं मन करता खाने का, नाश्ता वास्ता तो हम लोग कर लिए हैं, और काफ़ी धूप लग रहा है, करीब अभी 10:30 11 बज ही रहा है, इतना कड़ा धूप क्या हुआ है ना कि मत पूछे, लगता है ना कि एकदम धोख मार रहा अभी से ही, फिर पता नहीं ज़्यादा गर्मी आएगा तो क्या होगा, तो भगवान जाने, आशीष जी को बोले कूलर बनाने के लिए, कूलर बना ही रहे हैं, इधर मेरे को भी काम भी है दोस्तों, साफ सफाई भी करना, आगे बोले कूलर को ठीक कर लेते, क्या हुआ कूलर को, टुल्लू पंप में से पानी नहीं ताल रहा था ना, खराब चल नहीं रहा है, आवाज नहीं कर रहा, पूरा कचरा घुस गया ना, तो खराब हो गया, हाँ खराब हो गया, नहीं कचरा अंदर चलिए वो साफ करेंगे तो अपने चलने लगेगा, इसलिए दोस्तों आशीष जी अभी बनाएंगे इसको, उसके बाद गर्मी हो गया ना, दोपहर होने से लगता ना दोस्तों आग गिर रहा ऊपर से, और देखिए कितना दिन के बाद हम खिड़की खोले हैं, क्यों खोलते नहीं है ना दोस्तों, कभी नहीं देता हूं, कभी खिड़की खोलते ही नहीं, इसमें ना मच्छर बहुत इधर से आता था इसलिए कि बंद कर देते हैं, तो बड़ा गर्मी है, जब तक घर का गैस घर में ही घूमते रहेगा तो बाहर का हवा ही नहीं आएगा, कचरा भरा हुआ अगर बस्ती इसमें जलाती है, हम जलाते हैं तो अग्रबत्ती में, चलो पहले इसको साफ कर लेते हैं दोस्तों, तो अभी सारा साफ करके फिर इसमें पानी भरेंगे दोस्तों, फिर ठंडा ठंडा हवा आएगा दोस्तों, अच्छा से साफ कीजिएगा, अच्छे से तो करेंगे, सब ये सब भी चेंज करना होगा एक बार, उसका तो ज्यादा ही खराब है, तभी नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, छिद्र छिद्र पूरा आर पार हो गया, अच्छी हो गया, हाँ चलेगा अभी, बहुत चलेगा अभी, चलेगा अभी, रहने दीजिए इस बार,
आगे बरस से बरस कपड़े कचरा साफ करेंगे पहले नीचे से। कौन वाला बरस दे? ये मशीन को भी खोलेंगे थोड़ा, देखिए खुलिए ना, ये तो साफ है। इसका अंदर मोटर में चला गया है जबन, वो तो कोई नहीं होगा, होगा काहे नहीं, सब खुलता है। ये छोड़ा के नहीं तो करंट लगेगा, करंट छुट्टा ले पागल है क्या? पलक लगा के फिर देख रहे क्या करने लगे, उसको पलक खोलने से क्या फायदा, मत खोलिए। कचरा सब निकाल लेंगे ना, इसमें कचरा घुस गया था। अरे पूरा साफ कर रहे दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हमारा कूलर चालू होगा, ऐसे तो एकदम सूखा सूखा हवा देता है ना, और ऐसे भी ठंडा ठंडा हवा देगा, पानी डला जाएगा तब अच्छी तरह से पूरा गंदगी पानी से पर नहीं पोत रही है, कितना गंदा है तो पानी में नहीं पोत कर रही है, तो सूखा हुआ है ना कूलर पर जम गया काय नहीं कर रहा, उसी को गंदगी अच्छा से पूरा साफ कर दे रही हूँ। देख रहा है मम्मी क्या करता है ना बेटा, नहीं दिख रहा ना ऊपर क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा ना, कूलर को अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं और आते जितना पैप पैप चिल्ला, देखिए कहाँ से दे रहे पैप, ये देखिए खिड़की से पाइप आ रहा दोस्तों पानी, आ गिर गया हाँ पहुँच गया दोस्तों, देखिए ऐसे जी वहाँ से भुड़की से पाइप दे रहे हैं तो पानी आए, आ गया दोस्तों हमारा पानी, देख सकते हैं भाई पूरा भरेंगे, अच्छा पूरा भराएगा ना, पकड़े रही है ना तो फिर गिरेगा ना, तो पूरा कैच कैच हो जाएगा पूरा घर, तो चले जाते कूलर में पूरा पानी भर लेते हैं और ये सबको भी पूरा भिंगा लेते हैं कि तब ठंडा ठंडा हवा देगा दोस्तों, मस्त गर्मी में राहत मिलेगा दोस्तों। पानी पूरी तरह से भर गया है, पूरा पानी भर गया देख सकते हैं कूलर में, और ऊपर ऊपर भिगा दो उसको ऊपर ऊपर सब, बंद बोलना भर जाएगा पूरा काम हो जाएगा तो बताना ना, हम बंद कर देंगे दोस्तों, तो ज़्यादा पानी भर गया नीचे गिर जाएगा तो फिर हो गया, बहुत गर्मी है देख रहे ना दोस्तों, अब थोड़ा राहत मिलेगा इसको, इला टोटी खराब हो गया दोस्तों, ऐसे करके बंद करना पड़ता है। चलिए अभी काम हो गया कंप्लीट, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है माचिस लेके, देखिए बदमाश को पूरा माचिस बर्बाद कर रहा है नंदिनी, ध्यान नहीं देता है, देखिए क्या कर रहा है, रखो इसमें सब रख दो बेटा, गंदा बात रख दो तो चलिए दोस्तों हम फिगर लगा रहे हैं और मेरी फ्रेंड मेरे को काफ़ी डांट रही है फ़ोन करके कि इतना जल्दी क्यों लिए बेबी, ऐसा भी गुल्लू छोटा है, इसकी जो मौसी है पूरा मेरे पे फायर है कि इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था तुमको, तो बट क्या कर सकते हैं ना काजल, क्या कर सकते हैं, अब नहीं करेंगे दूसरा, अब तीसरा नहीं आने देंगे, अब क्या करे काजल बता, रह गया तो इसमें मेरा भी क्या गलती है बता, तो अब नहीं करेंगे बस दो ठो में तो झेला जाएंगे बहन, और इसमें करेंगे तो पता नहीं क्या, अभी नहीं हुआ अपना घर में शिफ्ट होंगे, अभी थोड़ा टाइम है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ देखिए ना गुल्लू कितना बात कर रहा अपनी मासी से, इसकी मासी गुस्सा कर रही कि गुल्लू तेरा प्यार बट जाएगा, दो अब हम बात करेंगे मासी से दोस्तों, इतना सुनाई दोस्तों, अगर बोला है गुल्लू के बाद एक और आएगा उसके बाद एक भी मत लाना, लाएगी तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, मैं मेरे गला घोड़ देगी, ऐसे भी धन हो बाबा, इससे तो परेशान रहते, दूसरा आएगा तो पता नहीं, तीसरा आएगा तो ऊपर चल जाएंगे, क्या होगा एक आ जाएगा तो ना, और एक आ जाए, एक कम है दिख रहे हैं, कूलर का उद्घाटन कर दिए, उद्घाटन नहीं किया, अब पूरा ठंडा ठंडा हवा दे रहा है, मेरा वाला कहती नहीं है कितना देता है, तो इसमें भी अभी पानी भरे है, सारा चीज को साफ किए फिर पानी भरे तब जाके ऐसा हवा दे रहा है, सोने में मजा आएगा, और कूलर का हवा भी बहुत ही अच्छा हवा आ रहा है दोस्तों, देखो 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 बदमाश, बहुत बदमाश है, चलिए हमारा कूलर पूरा रेडी हो गया, देखिए कितना ठंडा हवा आ रहा है दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए हवा, जा रहा होगा हवा बहुत ही ठंडा हवा आ रहा है, कैमरा से हमें मोबाइल से निकलेगा हवा दोस्तों आपके लिए ठंडा हवा, कम्बल ओढ़ के सोएंगे तब, अरे फिर भी ठंडा हवा दे रहे ना, बहुत राहत है कि नहीं,
क्या गर्मी में रात मिल रहा है? थोड़ा सा मेरा भी मूड थोड़ा चिल्ले। नहाओ धो कैसे हाल करके रखा है? अच्छा से फ्रेश हो जाएंगे दोस्तों, थोड़ा गोरा वोरा हो जाएंगे, क्रीम पाउडर बहुत के। चलिए अब हम लोग ब्लॉग को ही एंड चलते हैं दोस्तों। कूलर तो हमारा चालू हो गया, बहुत ही अच्छा हवा दे रहा है, बड़ा ठंडा ठंडा। अगुल्लू दो मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, मोबाइल नहीं दे रहा दोस्तों, मोबाइल भी है दोस्तों, बात भी होता है इस घड़ी से, इसीलिए बात भी कर रहा था मैं मौसी से। तो चलिए अब ब्लॉग को ही एंड करते हैं दोस्तों, चलते हैं। नंदिनी को कोई डर नहीं है, बेबी रखेगी, वो इसी थोड़ा परेशान हो गई थी, इतना डांट भी पड़ रहा दोस्तों। अभी देखिए कितना कितना लोग से डांट पड़ेगा, अभी देखते जाइए। अभी घर वहाँ जाएंगे मेरी फ्रेंड, दम तक कूटेगी भी मेरे। नहीं वहाँ जाना ही नहीं है, एक दो महीना दोस्तों सबसे बढ़िया है। चलिए तो चलते हैं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। बेटा नहीं बोलने सीखा, नहीं बोलने सीखा, समझिए वही उसका बाय है दोस्तों।